Hello everyone, I'm your friend, your host Badal Bhandari, and I welcome you in your favorite YouTube channel, that is Dogs, Your Friends Forever. थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए. आप हमेशा इनक्रेज करते हैं हमें, हम नया वीडियो बनाएं आपके साथ में, नई नॉलेज शेयर करें. आज मेरे साथ में एक गोल्डन रिट्रीवर बेबी है और ये बहुत सुंदर, बहुत एक्टिव बच्चा है, बट ही इज़ सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल प्रॉब्लम्स. और वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप देख रहे होंगे, उसकी जो पिछली टांगें हैं वो बहुत बुरी तरह से ख़राब हो गई हैं, और ये बच्चा अभी सिर्फ 4.5 महीने का है. आज ऑनेस्टली जो वीडियो बनाने लगा हूँ, इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि ये टांगें ख़राब हुई हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या रहते हैं, हमारी कौन सी गलतियाँ हैं जो हमारे डॉग को इस कंडीशन में पहुँचने के लिए मजबूर कर देती हैं. ऑफ कोर्स हिप डिस्प्लेजिया एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपकी कोई गलती नहीं, बट हर डॉग की टांगें ख़राब हों और उसे हिप डिस्प्लेजिया हो ऐसा नहीं होता. बहुत बारी हमारी अपनी गलतियां होती हैं. प्रॉब्लम्स भी बताऊंगा, रीज़न बताऊंगा और उसके बाद में इसका सलूशन भी बताऊंगा. अगर जेन्युइनली आपका डॉग इस कंडीशन से गुजर रहा है तो मेरे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें. अगर आपका डॉग फिट है, खास करके वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें जिन्होंने अभी रिसेंटली बेबीज़ नए खरीदे हैं, जिनके घर में छोटे डॉग्स हैं, या जो लोग प्लान कर रहे हैं नया डॉग लेके आने के लिए, सो दैट आप इस प्रॉब्लम में ना आए. अगर इस बच्चे की जो कंडीशन है, ओके मेरा बच्चा, अगर जो इस बच्चे की कंडीशन है इसको अगर ठीक नहीं किया तो ये सारी ज़िंदगी के लिए पैरालिटिक हो जाएगा इसकी पिछली टांगों पे. जैसे जैसे देखिए, बॉडी वेट तो बढ़ेगा ही ग्रोथ के साथ में, जैसे जैसे बॉडी वेट बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी टांगों की प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी. इसकी फ्रंट लेग्स, मैं इसको इसलिए घुमाया है कि इसकी फ्रंट लेग्स अगर आप देखेंगे तो प्रॉब्लम फ्रंट लेग्स की भी है. नो पप्पी बाइटिंग, नो. अच्छा, वीडियो तो बनाना बेटा तेरे साथ में. अगेन ही इज ट्राइंग टू बाइट मी, पपी बाइटिंग कर रहा है. मैं 10 काउंट करूंगा, आप देखेंगे उसके बाद में वीडियो में कंटिन्यू करेगा. 1, 2, 3, 4, 5. जो लोग मुझे बोलते हैं कि पपी बाइटिंग की प्रॉब्लम है, डॉग नहीं मानता, ये देखिएगा अभी इसके लाइव सैंपल आ जाएगा आपके सामने, एग्जाम्पल आ जाएगा. नो, गुड बॉय. अगर ये 10 पे नहीं मान रहा तो आई कैन वेट फॉर 20, लेकिन मैं इसको पनिश नहीं कर रहा हूँ. बिल्कुल हल्के से सॉफ्टली इसके फेस को पकड़ा हुआ ताकि इसको ये समझ में आ जाए कि बदतमीजी नहीं करनी. गुड बॉय, गुड बॉय. अब ये नहीं करेगा, बैठ गया आपके सामने, गुड बॉय. इसकी जो फ्रंट लेग्स हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है, वो भी मुड़ना शुरू हो गई हैं. ओवरऑल इस प्रॉब्लम का आने का एक बहुत सॉलिड रीज़न है, डाइट प्रॉपर नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, और इसकी जो इसको जो रखने का तरीका है वो गलत है. मेरे पास में ये बहुत दूर से आए हैं भाई, चेक करवाने के लिए, अपने डॉग को दिखाने के लिए, इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए. पिछले 3 महीने से इस बच्चे की ट्रीटमेंट चल रही है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है. एक तो प्रॉब्लम हो गई इसकी लेग्स की, जॉइंट्स की. एक और प्रॉब्लम आप इसके फेस पे देखेंगे तो इसकी जो पलकें हैं वो बहुत बड़ी हैं. गुड बॉय, गुड बॉय. इसकी जो पलकें हैं वो बहुत बड़ी हैं, वो फोल्ड होके आंखों के अंदर हो रखी हैं, पलकें फोल्ड हो रखी हैं आंखों के अंदर. आप देखिएगा इसको जूम करके, उससे क्या हो रहा है, वो आई बॉल्स पे टच हो रही हैं, और आई बॉल पे टच होने से उसकी आंखों का पानी निकलना शुरू हो गया है, और वो काफ़ी देर से निकलता है, वहाँ पे बड़े बड़े निशान हो गए हैं आंखों के नीचे. उसका रीज़न यही है कि इसकी आंखों के जो बाल हैं वो इसको चुभते हैं. और उसका अगर सोल्यूशन, तो उसका सोल्यूशन यही है, आप किसी अच्छे आई सर्जन से कंसल्ट करें. डॉग्स के लिए जो हों हमारे भाई वेटनेरियन डॉक्टर, उनसे आप कंसल्ट करें. माइनर सा कट करके इसको ट्रीट किया जा सकता है, इसकी पलकों को ठीक किया जा सकता है एक स्टिच के साथ में, एक सिंगल स्टिच के साथ में. आज हम बात करेंगे इसकी हैंड लेग की. जो लेग की प्रॉब्लम आ रही है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, ये मार्बल पे खिलाते हैं. हर घर में मार्बल है, आप लोग डॉग लेते हैं आप हमेशा यही सोचते हैं. मुझे बहुत सारी कॉल आती हैं कि भैया घर में मार्बल है, डॉग की टांगें ख़राब हो जाएंगी. आज की डेट में शायद ही कोई घर ऐसे होते हैं जिनमें मार्बल या टाइल्स वगैरह नहीं लगी होती, लेकिन टाइल्स और मार्बल की वजह से टांग नहीं ख़राब होती. टांग ख़राब होती है जब हम डॉग को अलाउ करते हैं मार्बल के ऊपर खेलना.
हम बॉल के साथ फेंकते हैं। मुझे परसों भी किसी ने वीडियो भेजा हुआ था, आई गेस कर्नाटका से भेजा था कहीं से, तो उन्होंने वो बॉल के साथ यूँ बॉल फेंक रहे हैं और डॉग फेच करके ला रहा बॉल, 3 मंथ्स का बेबी है। तो मैंने उनको स्पेशली बोला कि भाई गलत कर रहे हो, मार्बल पे खिला रहे हो, सारी उसके जो जॉइंट्स हैं वो उसकी प्रॉब्लम आ जाएगी। जब बच्चा मार्बल पे भागेगा बॉल के चक्कर में या कैसे भी भाग रहा है खेल रहा है, वो जब रुकने की कोशिश करेगा उसके ग्रिप नहीं बनेगा, उसके ग्रिप सॉलिड नहीं होंगे, वो नहीं रुक पाएगा, वो खिसक के गिरेगा। और जब वो चोट लगेगी उसको, वो एल्बो पे ही लगेगी, फ्रंट लेग्स पे भी लगेगी, हाइंड लेग्स पे, ज़्यादा चांसेस हाइंड लेग्स के होते हैं लगने के, क्योंकि वो रुकने की कोशिश करते हैं, संभलने की कोशिश करते हैं। दूसरा, हम बच्चों को, छोटे बच्चों को सीढ़ी चढ़ना अलाउ करते हैं। हमारे बच्चे अक्सर सीढ़ी चढ़ते हैं और हम बहुत ब्रेवरी समझते हैं उसमें कि हमारा छोटा सा बच्चा है 1.5-2 महीने का, वो सीढ़ी चढ़ जाता है। सीढ़ी चढ़ने से ये प्रॉब्लम आएगी छोटे बच्चों की, बोन्स जो हैं वो हॉलो होती हैं, अंदर से सॉफ्ट होती हैं बोन्स, बॉडी का जो वेट है वो ज़्यादा रहेगा उसके कंपैटिबली, बोन्स उतनी स्ट्रांग नहीं हुई होंगी। जब वो सीढ़ियाँ चढ़ेगा तो प्रेशर आएगा, जब पहले फ्रंट लेग्स पे आएगा प्रेशर एक एक लेग पे, उसके बाद में हाइंड लेग्स पे प्रेशर आएगा, चढ़ने वक्त हाइंड लेग्स पे, उतरने वक्त फ्रंट लेग्स पे, दैट कैन लीड टू इस तरह की प्रॉब्लम जिसमें टांगे खराब होंगी, अगली वाली भी और पिछली वाली भी। थर्ड पॉइंट है, हम डॉग को कच्चा अंडा देते हैं। इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट थिंग, डॉग को कच्चा अंडा नहीं देना चाहिए। डॉग को कच्चा अंडा देने से भी जॉइंट्स की प्रॉब्लम आएगी, लेग्स की प्रॉब्लम आएगी। फोर्थ रीज़न रहता है रॉ मीट देना, रॉ चिकन देना, वो भी एक रीज़न रहेगा इसकी, ये प्रॉब्लम्स बढ़ने के लिए, जॉइंट्स की और बोन्स की प्रॉब्लम के लिए। फिफ्थ रीज़न रहेगा, हम लोग ओवर एक्सरसाइज करवा देते हैं, हम बॉल बहुत सारा उसको रनिंग करवाते हैं, ज़रूरी नहीं मार्बल पे ही, हम ग्राउंड में करवाते बॉल के साथ रनिंग करते हैं, कुछ भी है। लेकिन जब डॉग की रनिंग होगी, जो जॉइंट्स हैं वो वीक किस हिसाब से होते हैं, उसकी जब रनिंग हो रही है, रनिंग लिमिट में एक जो एक्सरसाइज है, हमारे इंडिया में हम ज़्यादा सोचते हैं या एशियन कंट्रीज़ में हम ज़्यादा सोचते हैं, मेरे भाई मेरे जैसे, मैं भी सोचता था शुरू में, हम एक्सरसाइज करवाएंगे डॉग की तो डॉग ग्रो करेगा, उसकी हाइट ग्रो करेगी, उसका साइज़ बड़ा होगा, जबकि ऐसा नहीं है। हम जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज कराएंगे डॉग की, शुरू के 6 महीने कोई भी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज नहीं करवानी चाहिए, हम जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करवाएंगे उसकी जॉइंट्स की प्रॉब्लम आने की, टांगे ख़राब होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे, बिकॉज जो ग्रिप है वो मसल ने करना है। कभी एक्सरे देखोगे तो सारी हड्डियाँ अलग अलग होती हैं बॉडी की, चाहे डॉग की हो चाहे हमारी हो, उसको मसल ने ग्रिप करना है, एल्बो है चाहे फ्रंट एल्बो चाहे हाइंड एल्बो, उसको मसल ने ग्रिप करना है। और हम लोग जब एक्सरसाइज करवाते हैं और डाइट लिमिटेड होती है, तो जो मसल है वो टीयर हो जाते हैं या मसल डेवलप ही नहीं हो पाते, जो मसल डेवलप ही हुए होंगे ओवर एक्सरसाइज से वो भी निकल जाएंगे, बिकॉज हम डॉग को उस हिसाब से बैलेंस फूड नहीं दे रहे हैं, राइट जी। अब बात करते हैं इस चीज़ को कैसे बचाया जा सकता है, हमें अपने डॉग को इस कंडीशन में पहुंचने से बचाना है। हम उसे रनिंग नहीं करवाएंगे, उसे वॉक करवाइए, ज़रूरी है। इस एज के बच्चे को, अगर वो 4.5-5 महीने का बच्चा है, तो उसको 10-15 मिनट की वॉक दिन में 3 टाइम हो जाए, 4 टाइम हो जाए, दैट इज़ फेयर इनफ। एक बारी में 1 घंटे की वॉक नहीं करवानी, वो उसे एक्स्ट्रा थकावट देगी, उसके मसल पे, उसके जॉइंट्स पे एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा, वो नहीं चाहिए। 10-15 मिनट्स घड़ी देख के कर रहा है, ये नहीं हम रनिंग करवा रहे हैं जी, मैं बिल्कुल बॉल की रनिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बॉल के साथ रनिंग करानी चाहिए, लेकिन बच्चा जब अच्छे से थोड़ा स्टेबल हो गया हो, उसको इस कंडीशन में जो डॉग होता है ना, बहुत बारी होता है जब वो स्लिप होके मार्बल पे स्लिप होता है, रुकने की कोशिश करता है, फर्नीचर पड़ा होता है, कहीं टेबल के साथ एज लग गई, कहीं गमले में वो हिट कर गया, कहीं वो दीवार में ही जाके टकरा गया, तो बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार नाखून टूट जाते हैं बच्चों के, कई बार पाँव छिल जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसको बचाना कैसे है, हमें सीढ़ियाँ नहीं चढ़ने देना, ओवर एक्सरसाइज नहीं करवाना, बांध के नहीं रखना डॉग को, डॉग जितना खुला रहेगा उतना अच्छा ग्रो करेगा। मार्बल पे रखा हुआ कोई इशू नहीं है, मत बांध के रखिए, क्यों बांधना है। अगर कभी मजबूरी में बांधना पड़ता है तो मेक श्योर उसके नीचे कुछ सरफेस, कुछ उसके जो मार्बल सरफेस है उसको किसी मैट से या किसी कारपेट वगैरह से कवर कर दीजिए, बेल्ट लगा के उसको थोड़ी देर बैठाइए, जितनी देर आपकी ज़रूरत है। हमें डॉग को इस तरह से सोशलाइज कराना है कि उसको मैनर्स होने चाहिए, गेस्ट के साथ में बिहेव कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं, इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है, मैंने इसमें क्लिप जोड़ा है इसमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा, कि आप ये देखिए, ऊपर से देखिए बिल्कुल फ्लैट हो रखा है,
इसकी ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल फ्लैट हो रखा है। और एक चीज़ अभी आपके सामने ही मैं इसको चेक कर रहा हूँ, और वो है इसकी स्पाइन जो है उस पर भी इंजरी आ रखी है, इसकी स्पाइन पे भी इंजरी आ रखी है, जिस वजह से ये नहीं चल पा रहा। इसके यहाँ पे ये जगह पे इसके अगर हम एक्सरे करा के देखेंगे तो वो भी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि स्पाइन पे इंजरी है। और इंजरी का रीज़न ऑफ कोर्स यहाँ पे क्लियर कट है, 100% क्लियर है। इंजरी का रीज़न यही है। मेरे भाई मेरे साथ बैठे हैं, उनसे बात हुई है, आएंगे प्लीज़ आप वीडियो में आइए। मेरे साथ में इस पपी के ऑनर हैं मिस्टर अभिलाष। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप थोड़ा सा बताइए हम क्या क्या कर रहे थे जो मैंने अभी वीडियो में बताया उसमें से। सर इसमें से सिर्फ इसको बांधते जो हैं वो बहुत कम बांधते थे हम, और इसकी डाइट जो है बेसिकली इतनी नॉलेज नहीं थी, तो जैसा फ्रेंड्स ने बताया उसके अकॉर्डिंग डाइट दे रहा था मैं। तो जहाँ पे मैं रहता हूँ, मतलब मैं बेसिकली हूँ तो चंडीगढ़ से, बट मैं मुकेरियाँ अभी फिलहाल लॉकडाउन के कारण आ रखा हूँ, तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स ने भी जैसा मुझे गाइड किया उसके अकॉर्डिंग मैंने इसका ट्रीटमेंट शुरू किया, बट उससे ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं लगा। तो फिर मैंने सर की वीडियो देखी यूट्यूब पे, किसी जर्मन शेपर्ड की थी जो बैंड लेग्स के लिए थी, तो देन आई थॉट कि मुझे एक बार सर से मिलना चाहिए, बिकॉज इंप्रूवमेंट बिल्कुल नहीं हो रही थी। आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट, बट मुझे खुद लगता है कि वो इसके लिए ठीक नहीं था, तो मैंने सोचा कि अभी छोटा है तो लेट सी कि अगर अभी इम्प्रूवमेंट हो सकती है, बिकॉज वंस बड़ा हो जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा इसके लिए। एक चीज़ आप मुझे थोड़ा सा प्लीज़, डियर फ्रेंड्स जो आप भाई बैठे हैं हमारे जैसे दिख रहे हैं, हाँ जी, आप ये क्लियर कीजिए क्या ये सीढ़ियाँ चढ़ता है? हाँ जी बहुत ज़्यादा चढ़ता है, वो शरारती है, तो किसी ने बताया नहीं कि इसको रोकना है या मतलब इसको कैसे इस सिचुएशन में ट्रीट करना है, तो ये खेलता ही बहुत ज़्यादा है, इधर तो भागता रहता है, दिन में 2-3 बार तो सीढ़ियाँ चढ़ जाता है बिल्कुल आराम से। मार्बल पे खेलता है? हाँ जी मार्बल पर रहता है मूवमेंट ज़्यादा, मार्बल पे भी खेलता है बॉल वगैरह के साथ? जी हाँ जी, और यूजली हमारे साथ भी खेलता रहता है, शाम को सुबह काफ़ी ज़्यादा खेलता है। तो जैसे कि मैंने पहले बोला कि इसने गाइड नहीं है कि इसको ज़्यादा खिलाना नहीं है, तो माइट भी वो भी एक रीज़न हो सकता है कि इसकी सिचुएशन और वर्स हो रही है धीरे धीरे। जब ये बच्चा है, अभी ये जो बच्चा हमारे सामने है इसकी मैंने वीडियो देखा है, ये बिल्कुल नॉर्मल था बच्चा, ही वॉज 45 व्हेन ही वॉज 45 डेज ओल्ड, तब का मैंने वीडियो देखा है, उसमें इसकी टांगें बिल्कुल नॉर्मल थी, राइट जी? हाँ जी बिल्कुल छोटा। ये डे बाय डे प्रॉब्लम क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि इनको किसी ने गाइड नहीं किया, यही सब चीज़ें जो मैंने आपको बताया, इनको किसी ने अगर गाइड किया होता तो बच्चा आज इतनी वर्स्ट कंडीशन में नहीं होता। ये आज भी खेलता है, रनिंग करता है, मस्ती करता है, सब कुछ करता है, लेकिन हमें वो चीज़ें 100% अवॉइड करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस एज में इस स्टेटस, ये जो इसका इस समय बच्चे का स्टेटस है, जो इसकी कंडीशन है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसकी रेस्ट। इसको हम जितना रेस्ट करवाएंगे ये उतना ही अच्छा और उतना ही बढ़िया रिस्पांस देगा। इसको रेस्ट करवाने का मतलब है जैसे ये बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, कोई इशू नहीं, अगर ये मस्ती करने की कोशिश करता है, आपका डॉग भी है, अगर वो मस्ती करने की कोशिश करता है, शरारत करने की कोशिश करता है, उसके टॉयज़ छुपा दीजिए सबसे पहले, बॉल वगैरह के साथ खेलता है वो छुपा दीजिए, क्यू टॉयज़ दे दीजिए उसको, बॉल मत दीजिए क्योंकि वो बॉल उठा के फिर खुद से भागना शुरू हो जाएगा, वो मत दीजिए उसे। सीढ़ी अगर आपके घर में सीढ़ी है या आप फर्स्ट फ्लोर पर सेकंड फ्लोर पर रहते हैं, कोशिश कीजिए अपने छोटे बच्चे को उठा के ले जाएं ऊपर और उठा के नीचे ले जाएं। इतने भारी नहीं हुए होते 3-4 मंथ्स की एज तक, 4 मंथ्स शुरू के जो हैं वो बहुत क्रूशल होते हैं। ये इसलिए बोल रहा हूँ, थ्रू आउट वर्ल्ड जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब डियर पर्सन के लिए बोल रहा हूँ कि हैंड लेग्स की प्रॉब्लम आएगी, फिर हम उसको हिप डिस्प्लेजिया भी बोल देते हैं, क्योंकि है तो इंजरी है, अभी इसकी जो है वो है तो इंजरी है। आज मैं कोशिश करूँगा इसको, इसके लिए साथ में जो भी है एक्सरसाइज के लिए आपको एक बार फिर से बताऊँगा। पहले मैंने हालांकि बना रखा है एक वीडियो, उसमें आपने देखा है इसकी जो हाइंड लेग्स हैं, गुड बॉय, ही इज़ नॉट फीलिंग कम्फर्टेबल। जनरली गोल्डन रिट्रीवर्स इस तरह से नहीं बैठते हैं, बहुत कम बैठते हैं, जिस हिसाब से ये बैठा हुआ है आप देखिए इसकी जो पोजीशन है, इसको हम सबसे पहले सॉफ्टली इसके टम्मी के नीचे हाथ रखेंगे, ये हाथ टम्मी के नीचे आया, इस लेग को फोल्ड करके हमने घुमा के आगे कर दिया, इस लेग को घुमा के आगे लाए। अब आप देखिए इस चीज़ को, जब डॉग नॉर्मली लेग रखेगा तो डॉग की लेग इस तरह से होती है, डॉग की लेग की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए, मैं ऐसे कर रहा हूँ वो फिर वैसे हो जा रही है, बिकॉज उसके वो प्रॉब्लम आ गई है, उसके वो प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो गई है। मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज इनको करके बताऊँगा, आपके लिए भी बताऊँगा, सो दैट आपका डॉग जो है अगर वो इस पोजीशन से, इस गंदे से फेस से गुजर रहा है तो उसको भी रिकवरी मिल सके। सबसे पहले इसकी हाइंड लेग के नीचे, एल्बो के नीचे हाथ रखेंगे, इसको स्ट्रेट खींचेंगे, बिल्कुल झटका नहीं देंगे, सॉफ्टली स्ट्रेट खींचेंगे, सॉफ्टली वापस स्ट्रेट करेंगे, वापस लेके जाएंगे,
स्ट्रेट करेंगे, वापस लेके जाएंगे। यहाँ पे भी आप हाथ रख सकते हैं, स्ट्रेट जाना है। आपको भी प्रैक्टिस नहीं है, डॉग को भी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन जब आप इस प्रॉब्लम के डॉग के साथ में ये एक्सरसाइज करवाएंगे, वो तकरीबन सो जाएगा, वो इतना ज़्यादा रिलैक्स फील करेगा। ये उसकी एक्सरसाइज उसकी लाइफ बचा सकती है, वरना वो सारी ज़िंदगी के लिए पैरालिटिक हो जाएगा। ऊपर से देखिए एक बार, आओ ऊपर से देखो बेटे, ये पोजीशन रहनी चाहिए डॉग की, ये पोजीशन रहनी चाहिए लेग की, ये दोनों लेग्स की ये एक्सरसाइज हमने करवानी है। इसके अलावा जो इसकी पीठ है उसको हल्के हाथ से, जो स्पाइन के आसपास हल्के हाथ से हल्का हल्का मसाज करना है, बिल्कुल हल्का हल्का मसाज करना है, सो दैट उसका जो ब्लड सर्कुलेशन वगैरह जो है या इंजरी कहाँ पे है वो आपको पता चल जाएगा। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, सबसे बेस्ट तो यही रहेगा, अपने वेटनरी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उनको पूछिए कि सर इसमें क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इसमें जो पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है वो ये है, जो डॉग दिन में 2 घंटे एक्सरसाइज करता था, रनिंग करता था बॉल के साथ या सीढ़ियाँ चढ़ता था या कुछ भी, वो हमने एकदम से सारी की सारी ब्रेक लगा देनी है, उसको रोक देना हमने अच्छे से। मैक्सिमम 5 मिनट्स की वॉक दिन में 4 बार, ताकि वो अपना जो नेचर कॉल है शिशु पॉटी करने जाना, वो जाए करके आए, वापस लाके उसको बिठा दीजिए, अपने पास में बांध के बिठा लीजिए, कंफर्टेबल सॉफ्ट जगह पे बिठा लीजिए, डॉग भी बेटर फील करना शुरू हो जाएगा। उसको नरवाइन टॉनिक ज़रूर दीजिए, ये नरवाइन वीकनेस भी आएगी, जो ये जो रीज़न है इसका, एक नरवाइन वीकनेस भी इसका एक रीज़न है, जो हाइंड लेग्स की जो प्रॉब्लम है। और अगर अभी इस एज में हमने क्योर नहीं किया, बड़े होने पे इसको क्योर नहीं किया जाएगा, नहीं किया जा सकता। नरवाइन सिरप देना है, नरवाइन टॉनिक दे सकते हैं, कैप्सूल्स इंजेक्शंस बहुत सारे आते हैं, आप अपने वेट को कंसल्ट कीजिए जो वो बेस्ट बताते हैं। ग्लूकोजामाइन 110% देना है, ग्लूकोजामाइन इसके जॉइंट्स को वापस रिवाइव करने में हेल्प करेगा, इसके बोन्स को प्रॉपर फॉर्मेशन होने में हेल्प करेगा। कैल्शियम का कॉम्बिनेशन चाहिए, वाइटामिन D3 भी चाहिए, लेकिन ये सब चीज़ें जो डोज है वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लीजिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ें देने से फ़र्क पड़ता है, मैंने ट्राई किया है, मैंने अपने डॉग्स पे बहुत बारी इस चीज़ को देखा है। एक्सपेरिमेंट नहीं कह सकता हूँ, बिकॉज शुरू में शायद 1-2 बार करके देखा होगा जब कहीं से उसको आराम नहीं मिला, बट ऑफकोर्स बहुत सारे डॉग्स हैं जो फिट हुए हैं उस चीज़ से। जो शेफर्ड की मैं बात कर रहे थे भाई जी अभी, वो जर्मन शेफर्ड जो है बहुत बड़ा साइज़ है, ही इज़ ह्यूज, कभी मौका मिला उसके हाथ में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ही इज़ अ लॉन्ग कोटेड जर्मन शेफर्ड, उसकी लेग्स 95% ओके हैं, 95% मींस शायद ही कभी लगता होगा कि हाँ उसकी हाइंड लेग की कोई प्रॉब्लम हुई थी, इतना स्ट्रांग डॉग है वो। ये जो गोल्डन रिट्रीवर है, जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे इसकी प्रॉब्लम बड़ी होगी। अगर हम अभी केयर कर लेंगे, डाइट कंट्रोल कर लेंगे, बैलेंस डाइट देंगे, तो ये सब चीज़ सॉर्ट आउट की जा सकती है। ज़्यादा भारी खाना नहीं देना है, डॉग फूड वगैरह दे सकते हैं, मान लीजिए सेज के बच्चे 200 ग्राम सुबह 200 ग्राम शाम को दे सकते हैं, कर्ड दे सकते हैं, बॉयल्ड एग दे सकते हैं, एग वाइट दीजिए, येलो मत दीजिए, हमें फैट नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं चाहिए, लेकिन बच्चे को ठीक करना है। अगर इसकी कुछ भी इंप्रूवमेंट आती है, बिकॉज इसकी बहुत वर्स्ट कंडीशन है बच्चे की, बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन है, इसकी कितनी इंप्रूवमेंट आएगी ये भाई अगर मेरे पास में दोबारा लेके आएंगे, प्रॉमिस वीडियो एक फिर से बनाऊंगा अभिलाष जी। हाँ जी बिल्कुल, एक वीडियो फिर से बनाऊंगा, इम्प्रूवमेंट का वीडियो बना के दिखाऊंगा कि ये इम्प्रूवमेंट आई या नहीं आई। मैंने 110% गाइड किया, बाकी डिपेंड करेगा अभिलाष जी पे, भाई हमारे कितना एफर्ट करते हैं, कितना ऑनेस्ट एफर्ट करते हैं, बिकॉज अगर ये एफर्ट कर जाएंगे तो बच्चे के रिवाइव होने के चांसेस काफ़ी हैं। अगर एफर्ट नहीं हो पाया, किसी भी चीज़ की कमी रह गई, चाहे वो एक्सरसाइज की, चाहे वो रेस्ट की, चाहे वो डाइट की, तो ये बच्चा रिवाइव नहीं कर पाएगा। थैंक यू सो मच, साई दया करेंगे आप पे, हम पे, हमारे पेट्स पे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू।